हेलो एवरीवन आई एम स्ने वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू जी सी नेट अडर ट्वेंटी फोर आई एम योर मेंटोर फॉर पेपर टू एजुकेशन कैसे हैं सब चलिए काफ़ी लोग पहले से आ गए हैं हेलो जाकिया अंकिता सुमन डॉक्टर प्रवेश हमदम ब्रज गोपाल आप न्यू लग रहे हो हीरा गरिमा प्रियंका गुड आफ्टरनून सबका स्वागत है जैसे कि मैंने आपको बोला था कि थ्योरी क्लासेस एक हफ़्ते तक हम पूरा करेंगे तो आज हमारी सेकेंड थ्योरी क्लास है ये जो सेकेंड थ्योरी क्लास हम आज कर रहे हैं इसमें मैं आपको बैच का कंटेंट करा रही हूँ आप बोल सकते हो ये एक तरह की बैच की डेमो क्लास मान सकते हो क्योंकि यही चीज़ मैंने उनको इंटेलिजेंस में कराई है वही आज सेम कंटेंट मैं आपको करा रही हूँ तो जिनको हमेशा डाउट रहता है मैं बैच में क्या अलग कराते हो तो वो आज आपको दिख जाएगा कि बैच में क्या अलग कराया जाता है चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस uh, टॉपिक मैंने आज की क्लास के लिए इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप ज़्यादातर सी के लिए बी में जब पढ़ते हो तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इंटेलिजेंस ये नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन एम में ये टॉपिक आता है इसलिए आज हम ये टॉपिक करेंगे तो जो आपकी यूनिट थर्ड है आपको पता है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस जिसका नाम है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया इसमें जो आपकी सब यूनिट सब यूनिट बी है देखिए ये पूरी डेडिकेटेड है इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज इसमें पढ़नी है क्रिएटिविटी पढ़नी है एंड सो ऑन तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा कवर हो पाए इस यूनिट का मैं आपको करा दूँ गुड आफ्टरनून वंश सोनी सोनाली पिंकी लवली चलो सबका स्वागत है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज़ हम क्या कर पाए कवर कर पाए कल मैंने आपको टीचर एजुकेशन पर एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी के दो चैप्टर दिए थे चैप्टर फाइव तो मैंने आपको क्लास में कवर करा दिया था लेकिन चैप्टर फिफ्टीन रह गया था वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एक पेज का है सो आई होप वो आप खुद से कर लोगे ठीक है चलिए मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी से स्टार्ट करते ये टॉपिक बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हम कवर करके जाए चलिए ये जो आपने टर्म देखा है सुना होगा बहुत ज़्यादा आई टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन जब भी हम ये टर्म सुनते हैं हमारे मन में कौन सा नाम आता है बिने का एल्फ्रेड बिने का बट इन रियालिटी आपको यहां पे दो चीजें याद रखनी है ये जो टर्म है ये किसने क्विन किया ये टर्म दिया किसने है ये टर्म दिया है आपके विलियम्स टर्न ने ठीक है पर पहला आई टेस्ट किसने बनाया अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे एल्फ्रेड बिने लेकिन उन्होंने अकेले ये काम नहीं किया था उनके संग इनके कलीग भी थे वो कलीग का क्या नाम था साइमन ठीक है तो याद रखना जब भी आई क्यू वर्ड आता है उसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वेश्चन प्लस ये टर्म किसने दिया है विलियम स्टर्न ने लेकिन पहला आईक्यू टेस्ट किसने बनाया है आपके बिने ने बनाया है प्लस किसके साथ अपने कलीग साइमन के साथ ठीक है इसके अलावा क्यों बनाया था ये इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को मदद करने के लिए बनाया था ताकि स्कूल में जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है जिन्हें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को क्या किया जाए आइडेंटिफाई किया जाए ढूंढा जा सके तो इसलिए इन्होंने क्या बनाया था पहला आईक्यू टेस्ट बनाया था तो याद रखिएगा टर्म किसने दिया है और पहला आईक्यू टेस्ट किसने बनाया था इसके अलावा ये जो बिने हैं आपके इनको एक और काम के लिए जाना जाता है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का ठीक है मेंटल एज का मेंटल एज क्या होती है देखिए आपने ज़रूर कभी ना कभी ये फॉर्मूला तो देखा होगा कि आई फाइंड करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो आपकी फ़िजिकल एज है इसकी जगह कहीं आपको फिजिकल एज भी देखने को मिलेगा जैसे मान लीजिए अगर आप अभी 20 साल के हो तो आपकी क्रोनोलॉजिकल या फिर फिजिकल एज क्या हो जाएगी 20 साल और मेंटल एज कैसे निकलती है मेंटल एज वो जो जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं उससे मेंटल एज निकलती है मान लीजिए बहुत सारे बच्चे थे सबको कुछ टेस्ट दिए गए करने को उसमें जो उनका स्कोर रहा उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं मेंटल एज और जब इन दोनों को डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है हमारी हमारा आई आ जाता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम हम भूल जाते हैं मेंटल एज क्या थी और क्रोनोलॉजिकल एज क्या थी तो हमेशा याद रखना इन जनरल मैं हमेशा नहीं कर इन जनरल ज्यादातर ऐसा होगा क्वेश्चन में जो वैल्यू बड़ी होगी वो आपकी क्या होगी मेंटल एज और जो वैल्यू छोटी होगी वो आपकी क्या होगी क्रोनोलॉजिकल एज ठीक है जनरली होता है नॉट ऑलवेज ठीक है अगर आप भूल जाते हो तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट करना है आई किसका दस साल या चाइल्ड का जिसकी मेंटल एज क्या है बारह देखिए यहाँ पर भी मेंटल एज देखिए बारह यानी कि इस वाली से क्या है ज्यादा है तो जनरली ऐसा होता है कि मेंटल एज की वैल्यू ज्यादा होती है और क्रोनोलॉजिकल की वैल्यू कम बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो ठीक है चलिए इसको आप इसका आंसर बता सकते हो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है बता सकते हो कि एक बच्चा है उसकी रियल एज क्या है दस साल और उसकी मेंटल एज कितनी गिवन है बारह साल तो आई बता सकते हो कितना आएगा ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही है, तो बहुत ही ईजी है या आप लोग जल्दी से आंसर बता दो इसका तो मुझे इतना भरोसा हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे हेलो पूनम सबका स्वागत है जल्दी से जल्दी से मैं ज़्यादा टाइम ही दूंगी इसके लिए बहुत ईजी है जल्दी से बताइए जल्दी से इतना ईजी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी गिवन है आपको दस साल और मेंटल एज बारह तो आई कितना होगा फटाक से आंसर करिए इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए चलिए प्रियंका हीरा एकदम सही आंसर बता रहे हो आपका होगा 120 कैसे 120 आया आप जल्दी से देख लो मेंटल एज कितनी गिवन है आपको 12 तो यहां लिख दो 12 क्रोनोलॉजिकल कितनी गिवन है 10 तो यहां हो जाएगा 10 तो कितना हो गया 12 अपॉन टेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये जीरो जीरो कटा तो आपका आंसर कितना आ गया 120 तो आई हो गया 120 तो इस फार्मूले को याद रखना और ये जो मैंने नाम बताएँ किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको आप याद रखोगे यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में भी गिवन है अगला देखिए ये है आपका एक कर्व जब भी इंटेलिजेंस का कर्व बनाया जाता है तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप ये रिसर्च में शायद पढ़ भी चुके होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये एक ऐसा कर्व होता है जिसका शेप कैसा होता है बेल शेप बेल शेप तो आपको याद रखना है इंटेलिजेंस का जो कर्व बनता है वो कैसा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसका शेप कैसा है बेल अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा है मतलब नंबर ऑफ़ पीपल होंगे ये नंबर ऑफ़ पीपल लोग और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है उनका आईक्यू क्या है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा नंबर में लोगों का आईक्यू क्या होता है एवरेज होता है तो देखिए ये एवरेज आईक्यू क्या आपको दिख रहा है ये दिख रहा है ये देख रहे हैं 90 से लेकर 110 तक तो ज्यादातर लोगों का आईक्यू क्या रहता है इसके बीच में रहता है मैक्सिमम लोग एवरेज आईक्यू वाले लोग होते हैं ठीक है और बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू कैसा होता है या तो बहुत ज्यादा होता है आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा वाले लोग दिख रहे हैं ये देखिए एक के ऊपर वाले सिर्फ इतने लोग हैं सिर्फ इतनी पॉपुलेशन है जस्ट इतनी सिर्फ इतनी पॉपुलेशन जबकि एवरेज वाले देखिए कितने सारे एवरेज आईक्यू वालों की का नंबर इतना ज्यादा है 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 ठीक तो यही आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है कि एवरेज में बहुत ज्यादा लोग होते हैं और बहुत ज्यादा आईक्यू वाले बहुत कम और अगर आप रिटार्डेड बच्चों को देखो मतलब जिनका सत्तर से भी कम है यह भी, भी देखो इनका भी नंबर कितना ज्यादा कम है तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि बेल शेप होगा जो आपको बताएगा कि एवरेज में लोगों की मात्रा ज्यादा होती है नंबर ज्यादा होता है और जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनमें लोगों का नंबर कम होता है तो इंटेलिजेंस में भी ऐसा है अगर आप पूरी पॉपुलेशन देखो लोगों की तो उसमें ज़्यादा अगर आप कोई मान लीजिए रिसर्च करते हो तो आप ये पाओगे कि बहुत कम लोग हैं जिनका आई क्या है एक से ज़्यादा है बहुत कम लोग हैं जिनका आई क्या है सत्तर से कम है और ज़्यादातर लोगों का आई किसके बीच में आएगा आपके ये नब्बे से 110 के बीच में तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि क्या होता है आपका बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंटेलिजेंस का यहाँ पे आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब है इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आई आई क्यू एक सौ तीस के ऊपर बहुत ही कम लोगों का होता है आई क्यू एक सौ सत्तर सिर्फ सत्तर से नीचे बहुत ही कम लोगों का होता है ठीक है तो ये चीज़ आप बाद में देख लेना अन्य टेबल आपको याद करना पड़ेगा हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको बोल दिया जाए कि चलिए आई क्यू फाइंड करिए जैसे आपने एक सौ बीस आई क्यू निकाला था क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा टफ कैसे किया जा सकता है अब आपसे आपको वैल्यू नहीं दी गिवन होगी टिक करने को कि 120 है 130 है आपसे पूछ ले पूछ लिया जाएगा ऑप्शंस में कि बताओ इसको बोलेंगे क्या इस बच्चे को तो 120 सौ बीस देखिए कहाँ रहा है 120 देखिए आपका यहाँ रहा है तो ये बच्चा क्या होगा सुपीरियर इंटेलिजेंस हो सकता है ऑप्शन में आपको ये चीजें लिख कर दी जाए तो ये आपको याद करना पड़ेगा ठीक है समझ आ रही है चीजें ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप एम एडम आई मीन आप नेट लेवल का पेपर देने जा रहे हो तो इतना इजी क्वेश्चन तो शायद ही आए आए तो करेक्ट करोगे मुझे पता है लेकिन इसको टफ़ ऐसे बनाया जा सकता है कि आपको ये ऑप्शन में दे दी जाएंगी चीज़ें और 120 है तो यहाँ 120 का मतलब क्या है सुपीरियर इंटेलिजेंस तो ये टेबल आप याद करोगे नोट्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें दे दूँगी अगर आप न्यू हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पर नोट कर लीजिए स्नेह सचान ऑफिशियल ठीक है टेलीग्राम पर जाके इसको सर्च करो मैं वहाँ पे डेली आपको सारे नोट्स दे देती हूँ तो आई होप इतनी चीज़ें अभी तक क्लियर है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं थ्योरीज की इंटेलिजेंस की क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं आज तक सबसे पहले जो हमारी थ्योरी आई थी वो चार्ल्स स्पीयरमैन की आई थी इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था जनरल इंटेलिजेंस या फिर इसको बोला जाता है जी फैक्टर या बोला जाता है टू फैक्टर थ्योरी ठीक है बहुत सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अगर आप मेरे संग प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो सिंपल सिंपल ये पूछ लेते ये थ्योरी किसकी है वो थ्योरी किसकी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लो चार्ल्स पियर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था जनरल इंटेलिजेंस या उसको जी फैक्टर बोलते हैं या फिर बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी दो कारक सिद्धांत ठीक है आगे चलते हैं और इन्होंने इस थ्योरी में बताया क्या था और एक और चीज़ जितने भी आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हो उनके ईयर भी याद रखो कि इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1904 में सबसे पहले ये इंसान थे आगे चलते हैं इन्होंने क्या बताया अब ये देखिए इनका कहना था कि दो चीज़ें होती हैं इंटेलिजेंस में एक होता है आपका जी जी फैक्टर एक होता है एस फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी बोली है ना क्यों बोली क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है पहला आपका क्या है आपका जनरल है पहला है जनरल दूसरा क्या है स्पेसिफिक इनका बस इतना कहना था कि जो इंसान जनरल फैक्टर में अच्छा होता है इन जनरल जो इंसान इंटेलिजेंट होता है वो बाकी चीज़ों में भी क्या होगा इंटेलिजेंट होगा ठीक है मान लीजिए अगर कोई इंसान है अगर वो उसका अगर मैंने जी फैक्टर निकाला देखा कि वो जनरली इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट पर्सन है बुद्धिमान व्यक्ति है तो मैं उसे बोलूँगी अच्छा तुम अगर बुद्धिमान हो तो इसका मतलब तो मैथ्स में भी अच्छे हो गए तुम रीजनिंग में भी अच्छे हो गए ठीक है मैं बोलूँगी अच्छा तुम बाकी कामों में भी अच्छे हो गए तो इनका ये कहना था कि एक मेन इंटेलिजेंस होती है जिसे हम कहते हैं जी इंटेलिजेंस जिसे हम बोल सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस ठीक है और जो इंसान इसमें अच्छा होगा जो इंसान इसमें अच्छा होगा वो स्पेसिफिक वाली चीज़ों में भी बहुत अच्छा होगा इसके लिए एक फिगर देखिए बहुत ही बेहतरीन फिगर है यहाँ पर ये देखिए तो ये आप देख सकते हो कि जो इंसान जनरली हम बोलेंगे अगर कोई इंसान जनरल फैक्टर में इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंट है तो वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा यानी कि वो मैकेनिकल काम भी अच्छे से कर लेगा वो वर्बली भी अच्छा होगा मतलब बोलने में भी बहुत बढ़िया होगा वह कैसा होगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अपने आसपास के स्पेस को भी बहुत अच्छे से समझेगा प्लस वो न्यूमेरिकल माने यानी कि मैथमेटिकल चीज़ों में भी बहुत अच्छा होगा लेकिन इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया गया कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इंसान एक नॉर्मल चीज़ आपने पता लगा ली कि इन जनरल ये इंसान इंटेलिजेंट है तो वो हर स्पेसिफिक चीज़ में अच्छा होगा ऐसा नहीं होता इनको बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना की गई थी इसमें आई होप ये चीज़ क्लियर है और इन्होंने ये थ्योरी मतलब थ्योरी बनाने के लिए हम कोई ना कोई मेथड यूज करते हैं ना जिससे अपना डेटा कलेक्ट करते हैं एनालिसिस करते हैं तो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था ध्यान से नोट कर लो फैक्टर एनालिसिस नाम है इसका ये पूछा जाता है क्या मेथड यूज किया था क्या टेक्निक यूज की थी उस टेक्निक का क्या नाम है फैक्टर एनालिसिस आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है ठीक है जी फैक्टर एंड एस फैक्टर इन शॉर्ट बोला था कि जो जनरली एक इंसान इंटेलिजेंट है जिसके पास जनरल इंटेलिजेंस है वो बाकी चीजों में भी बाकी जो स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं एस्पेक्ट होते हैं उनमें भी क्या होगा इंटेलिजेंट होगा आगे चलते हैं आप यहां पढ़ भी सकते हो स्पियोमैन स्पियोमैन नोटिस दैट हु डिड वेल इन वन एरिया ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है तो ऑल्सो डिड वेल इन अदर एरियाज तो वो बाकी चीज़ों में भी क्या करेगा अच्छा परफॉर्म करेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये बहुत ईजी था अगला करते हैं अब हम लोग ओके uh, okay. सब कवर कर लिया है नेक्स्ट है आपके थर्ड स्टोन थर्ड स्टोन इनकी थ्योरी का क्या नाम है ध्यान से देखिए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ ठीक है या फिर इसको क्या कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी अब यहाँ पे देखो मल्टी फैक्टर अलग वर्ड है और अगर क्वेश्चन में मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस तो वो अलग थ्योरी है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर लिख के आएगा तो वो थ्योरी है आपकी किसकी गार्डनर की पर यहां पे देखिए क्या नाम है मल्टीफैक्टर तो कंफ्यूज नहीं होना है थर्नस्टोन ने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी गार्डनर ने ठीक है आपके एक बार कॉमेंट ले लिए जाए समझ आ रही है चीजें बताइए एक बार समझ आ रही है कोई नहीं रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो इनके नाम याद करते जाइए किसने कौन सी थ्योरी दी तो थर्ड स्टोन ने क्या दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज उसी को कहते हैं मल्टीफैक्टर थ्योरी कब दी है 1938 में दी है अब इन्होंने क्या बोला था सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला कि जो स्पीयरमैन ने बोला है ना कि सिंगल सिंगल इंटेलिजेंस होती है ऐसा नहीं होता इन्होंने सबसे पहले तो क्रिटिक किया आलोचना की किसकी स्पीयरमैन की कि आप गलत बता रहे हो ऐसा नहीं होता है फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला मैं बताता हूँ कितने टाइप की होती हैं सो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस ए सिंगल जनरल एबिलिटी इन्होंने इस व्यू को क्या किया खारिज किया कि सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होती और जनरल भी नहीं होती इंटेलिजेंस कैसी होती है इंटेलिजेंस के होते हैं सेवन पार्ट सेवन पार्ट इन्होंने बोला मैं सेवन पार्ट में बताता हूँ इंटेलिजेंस कैसी होती है तो वो सेवन पार्ट क्या है आपको इनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में आ सकते हैं चार कोई भी चार नाम लिख के उनमें से कोई एक गलत लिखा होगा आपको टिक करना पड़ेगा तो वो सात टाइप क्या थे पहला टाइप था एसोसिएटिव मेमोरी सहचर्य स्मृति ठीक है ये वो आपकी इंटेलिजेंस है जिससे आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो याद कर पाते हो मान लीजिए कुछ पहले आपके संग हुआ आप उस चीज़ को अगर याद कर पा रहे हो तो वो भी एक इंटेलिजेंस है ठीक है बस आपको इनके नाम याद रखने क्योंकि इंटेलिजेंस खुद में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत सारी थ्योरीज हैं बहुत डीप नहीं आता लेकिन सारे नाम आपको याद होने चाहिए दूसरा क्या है न्यूमेरिकल नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले ठीक है जिसे हम कह सकें संख्यात्मक क्षमता तीसरी है परसेपच्चुअल स्पीड नेक्स्ट देखिए क्या है रीजनिंग स्पेशल विजुअलाइजेशन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी यही चीज़ तर्क स्थानिक मौलिक शब्द प्रवाह तो ये सातों के नाम आपको याद रखने हैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ठीक है इनकी थ्योरी का नाम याद रखना है प्लस ये सात उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी तो और ये कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि सिंगल एंड जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप की होती है इसीलिए इन्होंने सेवन टाइप्स आपको दिए हैं ठीक है ठीके? एकदम मेन मेन चीज़ें करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में ज़रूर जिससे आपके क्वेश्चन फँसेंगे थर्ड थ्योरी करते हैं थर्ड थ्योरी किसकी गिलफोर्ड की है इनकी थ्योरी का क्या नाम था गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एस आई थ्योरी कहते हैं ठीक है नाम याद रखना है गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला इन्होंने भी सेम चीज़ बोली जो चार्ल्स स्पीयर मैन थे उनको क्या किया रिजेक्ट किया कि आप गलत कह रहे हो सिंगल एंड जनरल सिंगल एंड जनरल इंटेलिजेंस क्या नहीं होती है ठीक है इन्होंने और क्या बोला जैसे कि आप सिंगल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसके लिए एग्जामिनर और भी नए नए शब्दों का यूज़ करता है जिनका मतलब यही होता है लेकिन वो शब्द अलग होते हैं वो शब्द क्या है अब आप वो देखो वो शब्द है मोनोलेथिक कि मोनोलेथिक इंटेलिजेंस नहीं होती ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या है इंटेलिजेंस बहुत डिफरेंट टाइप की होती है ठीक है समझ आया जो गिलफोर्ड है उन्होंने भी जो स्पीयमैन थे उनको बोला कि गलत बोल रहे यूनिटरी इंटेलिजेंस नहीं होती सिंगल नहीं होती मोनोलिथिक नहीं होती ग्लोबल नहीं होती है अलग अलग होती हैं अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उन्होंने अपनी थ्योरी बहुत बार रिवाइज़ की पहली बार इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1955 में उसके बाद अपनी थ्योरी में वो संशोधन करते गए उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते गए कैसे संशोधन किया अब आप वो देखिए इन्होंने जो सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी उसके तीन डायमेंशन थे थ्री डायमेंशंस याद रखने थ्री डायमेंशंस वो थ्री डायमेंशन क्या थे पहला डायमेंशन था ऑपरेशन कॉन्टेंट एंड प्रोडक्ट आप इसको सी से याद रख सकते हो कॉन्टेंट कॉन्टेंट ऑपरेशन एंड पी से है प्रोडक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको इससे एक क्वेश्चन भी दिखा होगा ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सा इनका एक डायमेंशन नहीं है तो प्रोसेस उनका डायमेंशन नहीं था क्योंकि प्रोसेस कहीं पे भी नहीं आ रहा है ठीक है तो इन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है उसके तीन डायमेंशन है उन तीन डायमेंशन का नाम आपको याद रखना है सी ओ पी अब आगे देखिए ये सी ओ पी है क्या आखिर यहाँ सी ओ पी में इन्होंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इनके विधिन भी क्या होते हैं डायमेंशंस होते हैं जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ऑपरेशंस यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स तो ऑपरेशन छः टाइप के दिए हैं प्रोडक्ट्स भी आपके छः टाइप के हैं इसके अलावा आगे चलिए ये हिंदी में आ गया अगर हम आगे देखें तो पांच काइंड के क्या है कंटेंट है ये वो वाली थ्योरी है इनकी जो इनकी फाइनल वर्जन थी तो अगर हम सी ओ पी को देखें तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जैसे कि ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं अब इनके कॉम्बिनेशन क्या है आप यहां पर इस चीज को देख सकते हो यहां पे देखिए सीओपी सबसे पहले जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उसमें जो कॉन्टेंट था वो सिर्फ चार प्रकार का था ठीक है ऑपरेशन कितने थे सिर्फ पांच प्रकार के थे जो प्रोडक्ट था वो छह प्रकार के थे तो टोटल कितना हो गया था 120 उन्होंने बोले 120 टाइप की होती हैं लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया अपनी ही थ्योरी को रिवाइज़ किया अपनी थ्योरी को कैसे रिवाइज किया इन्होंने बोला कि ये जो फिगरल कॉन्टेंट है ये जो फिगरल कॉन्टेंट है इसको हम तोड़ देते हैं किन दो चीज़ों में ऑडिटरी एंड विजुअल में अब मैं आपको फिगर से दिखाती हूँ सी ओ पी सी ओ पी ठीक है ये देखिए यहाँ पर अगर हम सी ओ पी देखें फोर इंटू फाइव इंटू फाइव आई गेस फोर इंटू फाइव इंटू फाइव नो इट इज़ सिक्स इट इज सिक्स तो अगर आप ये देखो तो आ रहा था वन ट्वेंटी क्योंकि कंटेंट उस टाइप कितने थे चार टाइप के थे ये देखिए चार टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो कितने टाइप के थे पांच टाइप के देखिए ये पांच टाइप के और जो आपके प्रोडक्ट थे वो कितने टाइप के थे ये देखिए छह टाइप के बाद में क्या बोला गया कि जो फिगरल कंटेंट था उसको तोड़ दिया गया दो में तो यहाँ पे कंटेंट है ये फिगरल वाले को तोड़ के दो में कन्वर्ट कर दिया गया तो ये जो कंटेंट फोर था वो बन गया फाइव और बाकी सब सेम रहा तो जो नया कॉम्बिनेशन बना वो हो गया वन टाइप्स का इसके बाद फिर से इन्होंने अपनी थ्योरी में चेंज किया जो अगला चेंज किया वो किस में किया देखिए बाद में उन्होंने बाद में इन्होंने जो मेमोरी फंक्शन है उसको तोड़ दिया मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन में मेमोरी फंक्शन देखिए कहाँ है फंक्शंस मेमोरी फंक्शंस ये देखिए ये मेमोरी है इसको बाद में दो चीज़ों में तोड़ दिया गया तो अब आपका जो ओ वाला पार्ट है वो फाइव से कितना हो गया सिक्स तो नया जो कॉम्बिनेशन आपका बना वो हो गया एक तो ये जो फाइनल इनकी थ्योरी थी उसमें 180 टाइप्स बताए गए ठीक है और बोला गया हो सकता है कोई इंसान एक चीज़ में ज़्यादा अच्छा हो एक चीज़ में कम अच्छा हो हो सकता है कि ये जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं किसी एक चीज़ में वो इंसान ज़्यादा बेहतर कर रहा हो किसी एक चीज़ में कम बेहतर कर रहा हो इनकी थ्योरी बहुत डिटेल्ड है लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि इन्होंने भी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट किया ये नहीं बोला कि सिंगल इंटेलिजेंस होती है दूसरी चीज़ याद रखनी है कि तीन डायमेंशन दिए आपको सी ओ पी कॉन्टेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट फिर कितनी बार रिवाइज़ किया उनके कॉम्बिनेशन like, क्या थे ये आपको याद रखना है ठीक है ये चीज़ याद रखनी ये सब एग्ज़ाम में आता है और किन चीज़ों को तोड़ा था इनके नाम आपको याद रखने हैं ठीक है उन्होंने चित्रात्मक सामग्री को किस में तोड़ दिया था, था।, था? श्रवण और दृश्य सामग्री में वैसे ही बाद में क्या किया था बाद में मेमोरी को तोड़ दिया था रिकॉर्डिंग में मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन में ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको ज़रूर करने हैं ठीक है चौथा करते हैं चौथी थ्योरी जो आई बहुत फेमस है ये तो आपको भी आती होगी हार्वर्ड गार्डनर की हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ठीक है इन्होंने भी कई बार दी पहले एक बार 1983 में दी उसके बाद अपनी थ्योरी को रिवाइज किया आपने सुना होगा कि पहले सिर्फ सात प्रकार की इन्होंने इंटेलिजेंस दी थी बाद में एक नई इंटेलिजेंस जोड़ी थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ठीक है सुमन कह रही है आज पता नहीं क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है ठीक है कोई नहीं होता है कभी कभी चलिए देखते हैं गार्डनर की थ्योरी क्या थी जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने भी जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस होती है या फिर आईक्यू टेस्ट से इंटेलिजेंस नापी जाती है मेजर करी जा सकती है इस आइडिया को क्या किया क्रिटिक किया इन आलोचना की इन्होंने बोला नहीं सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दिमाग वाली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है कई तरह की इंटेलिजेंस होती है जैसे कि आपने देखा होगा इसमें काइनेस्थेटिक है देखिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इसका मतलब कि इंसान अपनी बॉडी को कितना अच्छे से यूज़ कर रहा है हो सकता है कोई योगा ट्रेनर हो तो आप उसे इंटेलिजेंट बोलोगे क्योंकि उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी कहीं ना कहीं स्पियर को देख लो या जो लोग आई टेस्ट पर बिलीव करते थे उन लोगों को क्या आलोचना की उनको क्रिटिक किया कि इंटेलिजेंस ऐसी नहीं होती है इन्होंने भी मल्टीपल व्यू था जो इंटेलिजेंस का उसको सपोर्ट किया ठीक है इतनी चीज़ें समझ आ रही हैं और इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी और बुक से नाम भी क्वेश्चन भी आता है बुक का क्या नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक का नाम याद रखना है फ्रेम्स ऑफ माइंड ये आता है सी टेट में ठीक है आज थोड़ा सा डिटेल में करते हैं पहली टाइप की इन्होंने क्या दी है आप देख सकते हो जो पहले टाइप के इंटेलिजेंस है उन्होंने दिए बॉडीली कैनिस्थेटिक मतलब आपका अपनी बॉडी पे कितना अच्छा कंट्रोल है जैसे बहुत सारे योगा ट्रेनर्स होते हैं मेडिटेशन करते हैं लोग डांसर्स होते हैं है कि नहीं जो लोग मान लीजिए ओलंपिक्स में जाते हैं या फिर जिमनास्टिक करते हैं ठीक है तो आप खुद ही सोचिए उनका अपनी बॉडी पे कितना अच्छा कंट्रोल है तो उनके पास किस टाइप की इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक ठीक है समझ आया शारीरिक गतिज बुद्धि उनके पास है अगला प्रकार पढ़ते हैं बहुत इजी इजी है और आपने नहीं पढ़े भी होंगे सी में इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल हिंदी में देखते हैं पारस्परिक और अंतर्वैकृत देखिए इंटर मतलब क्या होता है इंटर मतलब बिटवीन कहीं पे भी आपको इंटर वर्ड दिखे इंटर वर्ड दिखे इसका मतलब होता है बिटवीन बिटवीन मतलब दो लोग हैं उनके बीच में ठीक है अगर कहीं पे भी आपको इंट्रा वर्ड दिखता है तो इसका मतलब होता है विद इन विद इन मतलब एक ही इंसान है उसी के अंदर तो अगर बोला जा रहा है कि पारस्परिक बुद्धि है इंटर डिस इंटर इंटर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब दो लोगों के बीच में यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितना अच्छे से समझ पाता है जैसे मान लीजिए एक इंसान है वो दुखी है तो क्या ये वाला इंसान इसको समझ पा रहा है ये दुखी है क्या ये मान लीजिए डिप्रेशन में जा रहा है क्या ये इंसान समझ पा रहा है कि ये डिप्रेशन में जा रहा है सामने वाला कैसा फ़ील कर रहा है कैसा नहीं फील कर रहा है तो अगर आप इस इन चीज़ों को समझ पाते हो तो आप किस टाइप के इंटेलिजेंट पर्सन हो आपके पास किस टाइप की इंटेलिजेंस है इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस ठीक है और दूसरी टाइप की क्या होती है आपकी इंट्रा दूसरी है आपकी इंट्रा इंट्रा मतलब खुद को समझ पाना जो इंसान खुद की फीलिंग्स इमोशंस सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं उनके पास होती है इंट्रा कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर खुद को समझ पाना इंट्रा क्या होती है कि आप दूसरों को मूड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर दूसरों का क्या दूसरों के बारे में अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो तो वो क्या हो जाएंगे इंटर इंटर कौन लोग होते हैं अगर आप देख सकते हो जो काउंसलर्स होते हैं जो लोग गाइडेंस देते हैं है कि नहीं इनके पास किस तरह की आप बताइए किस तरह की इंटेलिजेंस होगी इंटर होगी कि नहीं होगी पारस्परिक बुद्धि होगी कि नहीं होगी तभी तो वो दूसरों की बातें समझ पा रहे हैं और उनको गाइड कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है आपको कोई ऑक्यूपेशन लिख के दे दिया गया और बोल दिया जाएगा बताओ ये ऑक्यूपेशन वाले लोगों के पास किस तरह की इंटेलिजेंस होगी तो अगर आपको इनके मतलब पता है तो आराम से आप लोग कर लोगे इंट्रा मतलब जो इंसान खुद को अच्छे से समझ पाए और बाद में ये भी बोला गया कि ये जो दो प्रकार के इंटेलिजेंस होती हैं ये दो प्रकार की होती के इंटेलिजेंस होते हैं इनको ग्रुप करके हम क्या बोल सकते हैं यही आपकी क्या हो सकती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इंट्रा प्लस इंटर इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो ये किसका पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट है आगे चलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आप एब्स्ट्रैक्टली सोच पा रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो लॉजिकली सोच पा रहे हो ठीक है समझ आया बहुत ईजी है देन म्यूज़िकल पाँचवीं क्या है संगीत संबंधी म्यूज़िकल जो लोग मान लीजिए कुछ लोग हैं आपने देखा होगा इंडियन आइडल आता है बहुत सारे शोज़ आते हैं हम गाना सुनते हैं तो हमें इतना समझ नहीं आता है कि कहाँ सुर ऊपर नीचे हुए हमें समझ नहीं आता लेकिन जो बहुत पुराने सिंगर होते हैं या फिर जो इस फील्ड में होते हैं उन्हें सब समझ आता है कि कौन सा सुर कहाँ से कहाँ चला गया है कि नहीं तो ये अंतर कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है जो संगति संगीत संबंधी बुद्धि रखते हैं जिनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वही लोग ये चीज़ कर पाते हैं बहुत सारे म्यूजिक कोचेस भी होते हैं अगर आप यूट्यूब पर देखो तो तो ये भी आपकी एक तरह की क्या है इंटेलिजेंस है छठी देखते हैं छठी कहाँ चली गई हाँ ये देखिए ये अली बाद में करेंगे सिक्स करते हैं सेवन और ये एट्थ सिक्स क्या है वर्बल लिंग्विस्टिक कुछ लोग अपनी बातों को व्यक्त बहुत अच्छे से कर पाते हैं वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ठीक है ठीके? इन ऐसे लोगों को बोलते हैं इनके पास क्या है वर् जी डीपी चौधरी कह रहे हैं लता मंगेशकर जी सही बात है ये सारे सिंगर्स के पास क्या है म्यूजिकल इंटेलिजेंस है छठी क्या है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मौखिक भाषाई बुद्धि ऐसे लोग जिनके वर्बल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं बोलने में बहुत अच्छे होते हैं जैसे आपने देखे कुछ कुछ ओरेटर्स होते हैं मतलब जो लोग एंकरिंग करते हैं आपने देखा है उनका कितना बढ़िया बोलने का होता है शब्दों का क्या बढ़िया चयन करते हैं वो लोग तो ऐसे लोगों के पास कौन सी इंटेलिजेंस है आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक ठीक है अगली देखते हैं विजुअल स्पेशल दृश्य स्थानिक इसका मतलब है कि आप अपना आप आपके आसपास जो स्पेस है ठीक है उसको कितने अच्छे से समझ पाते हो अगर आ, कुछ लोगों का आप देखो अगर आप अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा इमेजिन करके बताओ आपको कैसा घर चाहिए तो कुछ लोग माइंड uh, में इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा घर होना चाहिए यहाँ पे वॉशरूम होगा या किचन होगा नहीं बना सकते लेकिन कुछ लोग इतने माहिर होते हैं इस चीज़ों में कि वो आराम से इस चीज़ों को चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे वो चीज़ वैसे अपने स्पेस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपके दृश्य स्थानिक बुद्धि विजुअल स्पेशल ठीक है इमेजेस पिक्चर्स विजुलाइज़ कर पाना बहुत ही अच्छे से एब्स्ट्रैक्टली जब वो सामने नहीं है चीज़ें तब भी आप उनको बहुत अच्छे से विजुलाइज़ कर पा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मैं आंखें बंद करके इमेजिन कर पा कर पा रही हूँ कि इस रूम में अगर यहाँ पे अलमीरा रखी जाएगी तो कैसी लगेगी? कैसी लगेगी कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी क्या वो इस रूम में फिट बैठेगी कि नहीं बैठेगी इस दरवाजे से अंदर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी जैसे बहुत लोग होते हैं क्वेश्चनस आते हैं ना कि आपने देखा होगा डाइस वाले क्वेश्चनस होते हैं कि इसको इनको फोल्ड करेंगे तो क्या डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा तो जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती विजुअल स्पेशल वो लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती तो ये सात टाइप के इंटेलिजेंस वो है जो गार्डनर ने पहले दी थी बाद में इन्होंने एक और टाइप के इंटेलिजेंस को जोड़ा जिसका नाम है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्रकृति वाली बुद्धि इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज एनिमल प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन नेचर यानी कि इनको समझ पाना अपने नेचर से कनेक्ट कर पाने वाली चीज ठीक है जैसे एनवायरमेंटलिस्ट देख लीजिए आई होप चीजें समझ आ रही हैं थैंक यू सो मच आभा आभा कह रही है मैम आपको देखकर मेरा मन खुश हो जाता है वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको बैच का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा होगा बैच में भी मैंने यही चीज पढ़ाई आप इसे एक डेमो क्लास मान सकते हो बैच की चलिए अगली करते हैं पांचवी पांचवे जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनका नाम क्या है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इनके थ्योरी का नाम क्या था ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1985 में आई थी ठीक है बुद्धि का त्रियार्किक सिद्धांत इन्होंने तीन टाइप की इंटेलिजेंस बताई बहुत डिटेल में नहीं जाना है सबकी थ्योरी का नाम याद रखो किसने कौन सी दी है किस ईयर में दी है और जो दी है उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं तो वो बस आपको याद रखने ठीक है चलिए पाँचवीं करते हैं इन्होंने जो तीन टाइप की इंटेलिजेंस दी है उसके नाम देखिए क्या है उसके नाम पहली है एनालिटिकल इसका दूसरा नाम क्या है कॉम्पोनेंशियल ठीक है दूसरे टाइप की दी है क्रिएटिव इसी का दूसरा नाम है एक्सपीरियंसियल इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रैक्टिकल 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 का दूसरा क्या नाम है कॉन्टेक्चुअल ठीक तो इन्होंने क्या बोला था इन्होंने भी वो जो सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस होती है जनरल इंटेलिजेंस होती है यूनिटरी मोनोलिथिक ग्लोबल इंटेलिजेंस होती है ये वाला जो व्यू था ये वाला जो पर्सपेक्टिव है दृष्टिकोण था उसको क्रिटिक किया और उन्होंने भी बोला मल्टीपल टाइप की होती है ठीक है और इन्होंने अपने डिफरेंट टाइप्स बताए और डिफरेंट टाइप्स क्या थे एनालिटिकल एनालिटिकल क्या होता है जैसे मान लीजिए uh, जो आई क्यू के पेपर्स होते हैं ना मान लीजिए मैं आपका आई क्यू टेस्ट करना चाहती हूँ तो तब मैं आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर देती हूँ या फिर जिस तरह का टेस्ट देती हूँ वहाँ पे जिस तरह की इंटेलिजेंस चेक की जाती है वो आपकी होती है एनालिटिकल स्कूल में कहीं ना कहीं फ़ोकस किस पे करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस पर तो आप ये मान सकते हो स्कूल में जिस तरह की जाँच होती है जिस चीज़ का इवेलुएशन होता है जिस चीज़ का आकलन होता है वहाँ पर क्या हम इवेलुएट करते हैं स्कूल में एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है ठीक है विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक इस टाइप के इंटेलिजेंस को स्कूल में चेक किया जाता है कि आपको सारे चैप्टर समझ आ गए कि नहीं आ गए आप मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आपको पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है कि नहीं है ठीक है इस टाइप की इंटेलिजेंस क्या है आपकी एनालिटिकल जो आपके आईक्यू टेस्ट मेजर करते हैं या फिर सिंपल बोलो स्कूल में चेक किया जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है नाम से ही पता चल रहा है कि आप कोई न्यू आइडिया जनरेट कर पाओ स्कूल में ये नहीं चेक किया जाता कि आपने कोई नया आइडिया इन्वेंट कर लिया है कि नहीं कर लिया है आपसे बस एक लिमिटेड जो आईक्यू टेस्ट करने वाला टेस्ट होता है उस तरीके इंटेलिजेंस की डिमांड होती है लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है जब आप एकदम कोई ऑल टुगेदर नई चीज़ इन्वेंट कर दो या कोई नया आइडिया दे दो जैसे मान लीजिए स्कूल में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं ना लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को शाबाशी नहीं दी जाती इस चीज़ को सराहा नहीं जाता कि बच्चे ने एक नया मेथड निकाल दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है तो ये आपका क्या है क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ नवीन कर देना ठीक है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम ऐसे याद रख सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास कॉमन सेंस बहुत बढ़िया होता है मतलब स्कूल में हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हों नंबर नहीं लाते होंगे पैंतालीस चालीस पचास में से लेकिन जब वो समाज में रहते हैं सोसाइटी में रहते हैं तो वो अपने लाइफ के डिसीजन्स बहुत अच्छे रहते हैं मान लीजिए कोई इंसान है वो जा रहा है काफ़ी रात हो गई है और उसे दिख रहा है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है तो उस टाइम जो लोग दिमाग लगा लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उसने जल्दी से फ़ोन अपनी लोकेशन किसी को सेंड कर दी या फिर जहाँ शोर शराबा था वहाँ भाग के चला गया तुरंत वहाँ पर जो दिमाग लगा दे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं ऐसे लोगों को ठीक है तो उनके पास कैसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है और मान लीजिए उसकी जगह एक ऐसा बच्चा होता है जो तो स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है सौ में से सौ नंबर लाता है लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करना है उसे नहीं पता तो हम बोलेंगे उसके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है तो आई होप समझ आया है एनालिटिकल क्या है जो स्कूल में चेक करते हैं आई पेपर चेक करते हैं वो वाली इंटेलिजेंस क्रिएटिव क्या है कुछ नया बना देना कुछ नया आइडिया दे देना प्रैक्टिकल क्या स्ट्रीट स्मार्ट ठीक है आई होप समझ आया स्टर्नबर्ग ने जो तीन तरह की आपको क्या दी है इंटेलिजेंस uh, है पहली क्या है विश्लेषणात्मक दूसरी रचनात्मक यानी कि कुछ एकदम नवीन नया सा आइडिया देना या इन्वेंट कर देना कुछ और व्यवहारिक ठीक है प्रैक्टिकल चलिए चलिए आगे चलते हैं फिर देन इसके अलावा ये तो मेन मेन थे जो आपको ज़रूर जरूर याद करने है इसके अलावा और भी कुछ हैं जो आते हैं जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर किसने काम किया है ठीक है गोलमैन ने किया है और जैसे टर्मेन कौन थे बर्ड कौन थे ठीक है बहुत सारे ऐसे तो सबके बारे में थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब आप लोग वो लोग दे वो चीज़ें देख लो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है भावनात्मक बुद्धि क्या होती है इस पर जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है उनका नाम है गोलमैन डैनियल गोलमैन तो इन्होंने क्या काम किया ये देखते हैं सबसे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम तो किया है बहुत ज्यादा गोलमैन ने लेकिन गोलमैन पहले इंसान नहीं थे जिसने इस पर काम किया इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट और ज्यादा काम किया है लेकिन पहले सबसे नहीं काम किया है पहले सबसे किसने काम किया है सबसे पहले काम किया है आपके मेयर एंड सालोवे ने ठीक है पीटर जॉन मेयर एंड पीटर सालोवे ने ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले किस पे काम किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया था और यहाँ तक कि इन्होंने इस टर्म को दिया भी था ये जो आपको शब्द दिख रहा है भावनात्मक बुद्धि इसका इसकी गणना भी इसको क्वाइन भी किसने किया था इन दोनों लोगों ने लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम किसका प्रसिद्ध हुआ गोलमैन का डैनियल गोलमैन का तो जैसे अकेडमिक्स में जो लोग अच्छे करते हैं ठीक है जैसे जिनका दिमाग हम बोलते हैं ना कि एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं आई क्यू अगर हम किसकी बात करें कॉग्नेटिव कॉग्निटिव एस्पेक्ट की उसी तरह अगर कोई इंसान इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ई क्यू इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने ई क्यू दिया ठीक है याद रखना है पहले है, ये ये टर्म जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वो किसने दिया है आपके जॉन मेयर एंड पीटर सैलोवे ने लेकिन बहुत ज्यादा इस पर किसने काम किया है आपके डैनियल गोलमैन ने इन्होंने ई क्यू टर्म यूज़ किया ठीक है इतनी चीजें समझ आई समझ आ रही इतनी चीजें इन सबके आप नोट्स बनाओगे जाकर सब कुछ जितना एग्जाम में आता है मेन मेन मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया बैच में मैं यही करती हूँ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ ला बच्चों को देती हूँ और बच्चे इन्हीं चीजों से फिर पढ़ते हैं चलिए आगे चलते हैं इसके अलावा इन दोनों लोगों ने एक टेस्ट भी बनाया था उसका नाम क्या था मेयर सालोवे करूसो इंट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इनके आप टेस्ट का नाम भी याद रखोगे अब क्वेश्चन किससे आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि गोल ने गोल ने क्या कॉम्पोनेंट दिए थे इमोशनल इंटेलिजेंस के अगर किसी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है कोई भावनात्मक रूप में बुद्धिमान है तो वो कैसे पता चलेगा तो कुछ कंपोनेंट होंगे ना जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ये ये चीज़ उस इंसान के अंदर है तो उसका मतलब है कि वो क्या है इमोशनली इंटेलिजेंट है अब वो पांच कंपोनेंट क्या थे आपके एग्जाम में आया है मैचिंग के लिए सेम चीज़ तो वो क्या थे पहला क्या होना चाहिए इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस नाम से ही पता चल रहा है कि अपने बारे में इंसान क्या हो जानता हो अवेयर हो मतलब हो सकता है कि मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैं बहुत परेशान हूँ हो सकता है मेरे अंदर बहुत दुख भरा है लेकिन मुझे पता ही नहीं मेरा दुख भरा है मान लीजिए मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है लेकिन मैं ये चीज़ समझ ही नहीं पा रही हूँ खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे लाइफ में क्या करना है मुझे खुद ही नहीं पता तो ऐसा इंसान क्या है सेल्फ अवेयर नहीं है और एक इमोशनली इंटेलिजेंट भावनात्मक रूप से एक बुद्धिमान इंसान कौन होगा जो सेल्फ अवेयर होगा जिसे पता होगा अपने बारे में ठीक है वो भावनात्मक आत्म जागरूकता रखता होगा ठीक है अगली चीज़ अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है स्वयं वियमन इसका मतलब क्या है सेल्फ रेगुलेशन खुद को रेगुलेट कर सके हो सकता है मेरे संग अभी जा बाहर जाते कोई बहुत बुरा हादसा हो जाए और मैं हादसा हो जाए या फिर कोई एकदम से कोई परेशानी आ जाए तो हो सकता है मैं घबरा जाऊँ रोने लगूँ ना आए बहुत परेशान हो जाऊँ तो ऐसा इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा इमोशनली इंटेलिजेंट कौन इंसान होगा जो अपने इमोशंस को क्या कर पाए रेगुलेट कर पाए हो चाहे जितनी बुरी परिस्थिति आ जाए लेकिन उसे पता है कि कैसे कंट्रोल करने अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को और सही डिसीजन क्या लेना है उस टाइम तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ये होता है जो कंट्रोल कर पाए ख़ुद को सही डिसीजन ले पाए अपने इमोशन सब चीज़ों को क्या कर पाए संभाल पाए बहुत इजी इजी है बस इन पांचों का नाम आप एक बार देख लीजिए क्या है फिर क्या है मोटिवेशन यूटिलाइजिंग इमोशनल फैक्टर टू अचीव गोल्स ठीक है एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो अपने इमोशंस को किस तरह यूज़ करता है ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करता है मान लीजिए uh, मान लीजिए uh, एक एग्जांपल देती हूँ कोई इंसान है जिसने देखा कि uh, uh, एकदम से क्या हो गया कि मेरे फादर की नौकरी चली गई और घर में अब खाने को भी कुछ नहीं है मतलब बहुत बुरी हालत हो गई है घर की तो वो बच्चा क्या होगा इमोशनली टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा कि अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा तो कोई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो अपने इन इमोशंस को इन इमोशंस को कैसे यूज़ करेगा मोटिवेट होने के लिए यूज़ करेगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं भी अर्न करूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँ जी निकालूं और मैं भी अपने घर में पैसे दे कंट्रीब्यूट करूं तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कौन है जो अपने इमोशंस को कैसे यूटिलाइज करे खुद को मोटिवेट करने के लिए यूटिलाइज कर पाए ना कि ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए रोने धोने के लिए ठीक है ऐसा नहीं नेक्स्ट एम्पैथी एम्पैथी का मतलब क्या होता है दो वर्ड है सिंपैथी एंड एम्पेथी सिंपैथी मतलब दूसरे के लिए बुरा फील करना मान लीजिए किसी के माता पिता हैं जिनकी डेथ हो गई है तो मैं बुरा फील कर रही हूँ कि अब बेचारे बच्चे के संग क्या होगा कैसे रहेगा लेकिन एम्पेथी क्या होता है एम्पेथी का मतलब होता है कि आप उस बच्चे की जगह जाकर फील करो कि एक्चुअली उसे कैसा फील हो रहा होगा अगर मैं उसकी जगह होती हूँ और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाती तो मुझे कैसा फील होता तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इतने अच्छे से दूसरे इंसान को समझ पाता है ठीक है आखिरी क्या सोशल स्किल्स सोशल स्किल्स मतलब उसे रिलेशनशिप्स मैनेज करना आता है कि बाहरी लोगों के संग कैसे बात करनी है अपने घर के लोगों से कैसे बात करनी है समाज में आ, कैसे रिलेशनशिप्स बनानी है इन सब का ज्ञान कौन रखता है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति ठीक है तो ये जो पाँचों है ये आपको याद रखने सामाजिक कौशल एंड एवरीथिंग चलिए बताइए समझ आ रही है चीज़ें सारी चीज़ें आपको याद करनी है इंटेलिजेंस में जितना मैं करा दूंगी उसके अलावा आपको शायद ही कुछ करना पड़े विदुषी श्रीवास्तव करें मैम आपके नोट्स एनफ होंगे एग्जाम के लिए जी बिल्कुल एनफ होंगे बट एट द सेम टाइम देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो तो करा देती हूँ लेकिन हमें कभी नहीं पता ना कि एग्जामिनर क्या और एक्स्ट्रा दे दे इसलिए हमें हमेशा थोड़ी सी अपनी क्या बोलो प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करके चलनी चाहिए ठीक है टॉपिक्स तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें करा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा और इससे आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़ो नहीं है तो पहले क्या कवर करो इंपॉर्टेंट दस यूनिट करनी है अगर एक यूनिट कोई इतना डीप करते रह जाओगे तो बाकी यूनिट छूट जाएंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि हर यूनिट का पहले मेन मेन कवर कर लो क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास दो महीने और जब हो जाए सबका मेन मेन तब डीप में जाओ चलिए आगे -मे चलते हैं अगले कौन है लुइस मेडिसन टर्मिन इन्होंने क्या किया था देखिए जो टर्मन है इनको जाना जाता है इनके काम के लिए जो इन्होंने क्या किया था जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस ये यूजेनिक से बिलोंग करते हैं इन्होंने एक स्टडी की थी उस स्टडी का नाम था जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस तो इन्होंने ये बोला कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए गए उन लोगों को इन्होंने एक नाम दिया इन्होंने क्या नाम दिया टर्माइट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे इसके अलावा इन्होंने और क्या किया Uh, जैसे आपको मैंने बताया ना पहला आईक्यू टेस्ट किसने बनाया था बिने एंड साइमन ने बनाया था लेकिन ये जो टर्मेन है इन्होंने इसका अमेरिकन वर्जन बनाया इसका क्या बनाया अमेरिकन वर्जन बनाया ठीक है इन्होंने ये जो बिने वाला टेस्ट था बिने एंड साइमन वाला टेस्ट था इसका अमेरिकन वर्जन बनाया क्योंकि आप खुद ही सोचो वो किसी और देश का आई टेस्ट था वो उस कंटेक्स्ट ठीक है उस संदर्भ में बनाया गया था उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से बनाया गया था लेकिन अमेरिका में किसी और काम के लिए बनाना था ठीक है और वहाँ का कंटेक्सट भी अलग है संदर्भ भी अलग है काफ़ी फैक्टर्स अलग है तो ज़रूरी था कि इसका अमेरिकन वर्जन बनाया गया बनाया जाए थोड़े चेंजेस किए जाए इसलिए इन्होंने इसका अमेरिकन वर्जन बनाया ना कि एज़ इट इज़ वहाँ से कॉपी किया ठीक है और इस टेस्ट का नाम क्या रखा स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट ये अमेरिकन वर्जन वाले का नाम है इसके अलावा इन्होंने जो टर्मन जीनियस स्टडी की थी 1921 में इन्होंने क्या बोला इन्होंने एक लॉन्गिट्यूडल स्टडी की थी और इसमें इन्होंने पाया कि जो भी लोगों का आई क्यू हाई था ठीक है जो भी बच्चे ऐसे थे जिनका आई क्यू बहुत ज़्यादा था उनको इन्होंने क्या नाम दिया टर्माइट्स और ये पाया गया कि फ्यूचर में वो कैसे लोग थे हेल्दियर थे टॉलर बने और सोशली बहुत क्या हुए अडेप्टबल बने तो जिन जिन बच्चों का आई क्यू छोटे में ज़्यादा पाया जाता है ज़्यादा पाया जाता है मतलब एवरेज से भी ऊपर पाया जाता है तो फ्यूचर में इन्हों इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो बच्चे कैसे होते हैं हेल्दी होते हैं टॉलर बनते हैं मतलब हाइट ज़्यादा रहती है इसके अलावा सोशली अडेप्टबल होते हैं वो समाज में बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं ये क्या है इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ठीक है तो इनकी फाइंडिंग्स याद रखना इन्होंने किस पे स्टडी की थी टर्मर जीनियस स्टडी और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको टर्माइट्स बोला और बोला कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो फ्यूचर में हेल्दी और टॉलर एंड कैसे होते हैं अडेप्टबल होते हैं और इन्होंने अमेरिकन वर्जन बनाया था साइमन के टेस्ट का अगली चीज़ सर फ्रांसिस गाल्टन ये क्या है आपको पहले भी एक वर्ड सुनाई दिया था ना जब मैंने आपको टर्मिन कराया तो यूजेनिक्स वर्ड आया था यूजेनिक्स वर्ड आया था यूजेनिक्स वर्ड का मतलब है कि जो भी लोग इससे बिलोंग करते हैं उनका ये मानना होता है कि हम ह्यूमन स्पीशीज़ को बहुत सुपीरियर बना सकते हैं ठीक है ये जो मानव जाति है इसको बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्रोड्यूस करने दें जिनके पास कैसे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ऑलरेडी हेल्दी लोग हैं ठीक है थीके? या फिर बोल सकते हो जो जिनका आई ज़्यादा है सिर्फ यही लोग रिप्रोड्यूस करें बस इन्हीं ये इन्हीं लोग ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो अब नई पॉपुलेशन बनेगी तो इनके ही जैसे ट्रेट वाली बनेगी तो जो चिल्ड्रन विद डिसबिलिटी हैं या जो रिटायर्डेड बच्चे हैं इन लोगों को रिप्रोड्यूस ना करने दिया जाए इससे क्या होगा कि इनके जो रेसिसिव ट्रेड्स हैं है कि नहीं मान लीजिए उनके कम आई क्यू तो हो सकता है इनके बच्चों का भी कम आई क्यू हो सकता है तो इनके अकॉर्डिंग उनको करने ही मत दो ठीक है तो पॉपुलेशन में कम आईक्यू वाले लोग होंगे ही नहीं चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी है कि मान लीजिए कोई डिसलेक्सिक है किसी के हाथ नहीं है किसी के कुछ नहीं है तो इन लोगों को भी इन इन लोगों को भी स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज को बढ़ाने मत दो ठीक है मतलब उनकी जा मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने मत दो क्योंकि नहीं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे नई पॉपुलेशन में आ जाएंगे तो ये है कॉन्सेप्ट यूजेनिक्स का इनका बोलना था कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं ह्यूमन रेस को ह्यूमन रेस को कैसे अगर हम क्या करें उन लोगों को रिप्रोड्यूस uh, नहीं करने दें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को uh, नई जनरेशन में नहीं आने दें बट बाद में ये पाया गया कि बहुत ही अनसाइंटिफिक है और रेशली बाइस्ड uh, है मतलब माँ में माया मतलब ये चीज़ पाई गई कि ऐसा कुछ इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर ऐसा करना दिया जाएगा तो uh, सच में एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज़ बन जाएगी मतलब ऐसी पॉपुलेशन होगी हमारे पास जो सुपीरियर होगी दूसरी चीज़ ये बायस्ड भी है है कि नहीं बहुत बायस्ड भी है तो इसलिए भी इनको uh, इसको डिसक्रेडिट दिया गया इसको बोला गया कि ऐसा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा आलोचना की गई इस चीज़ की आई होप ये चीज़ समझ आई आपको तो ये कुछ कुछ मेन मेन लोग हैं इनका जो मेन मेन काम है इसके बारे में हल्का हल्का आपको याद रखना इवन आपको पता होगा जो आ, हिटलर था हिटलर ने भी बोला कि ऐसा होता है इसीलिए चलो जो ज्यूज़ हैं इनको भी हम क्या करते हैं नाजी जो नाजीज थे उन्होंने भी इसको मतलब लॉजिक देकर बोला कि इनको जीने का हक हाँ नहीं है जीवस को जीने का हक हाँ नहीं है इसके अलावा वो बाकी कंट्रीज में डिसेबल लोगों की भी हालत बहुत ख़राब कर दी गई थी क्योंकि क्योंकि सब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम यूजेनिक्स फॉलो करते हैं और ऐसे लोगों को रिप्रोड्यूस नहीं करने देते नहीं तो इनके जो बेकार ट्रेड्स हैं कैरेक्टर्स जी के हैं वो हमारे बच्चों वाली नई पॉपुलेशन में आ जाएगी आगे चलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस इससे भी क्वेश्चन आता है ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है वैसे समझ आ रही है चीजें आपको सारी मेन मेन चीजें एक साथ करा रही हूँ क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है रचनात्मक प्रक्रिया क्या होती है इसके स्टेप्स होते हैं कुछ इनके स्टेप्स को याद कर लो सबसे पहली चीज प्रिपरेशन इनक्यूबेशन इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन अब आपको यहाँ क्या देखना है कभी कभी एक और ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में आता है कॉन्सनट्रेशन इन दोनों के बीच में बट मेनली क्या होता है ये चार ही टाइप के हमारे पास प्रोसेस होते हैं और इसके बारे में किसने बात की है ग्राम वॉलेस ने बात की है अपनी बुक द आर्ट ऑफ थॉट में तो ये चार आपको स्टेप याद रखने हैं क्या है और इनका मतलब क्या होता है वो समझ लो बहुत इजी है बहुत ज्यादा ठीक है सबसे पहला आपका क्या है प्रिपरेशन मान लीजिए आपको कुछ क्रिएटिव करना है कुछ नया बना रहा है मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने और आप उस उसका कोई सोल्यूशन नहीं आप चाहते हो कि इसका मैं कुछ सोल्यूशन दे दूँ ठीक है तो एक क्रिएटिव इंसान क्या होगा जो इसका एकदम न्यू सोल्यूशन देगा ठीक है नोवल या फिर आप बोल सकते हो नवीन है ना कोई कुछ नया एकदम नया सोल्यूशन निकाल दे क्योंकि पहले से उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उस प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है प्रिपरेशन पहले वो प्रिपेयर करेगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके पास जितना भी मटीरियल है या उससे रिलेटेड जितनी भी पहले से नॉलेज एग्जिस्ट होती है वो सबको एक साथ लाएगा ठीक है वो क्या करेगा गैदर करेगा मटेरियल रिसर्च करेगा कि कैसे इसको सॉल्व की जा सकती है इस प्रॉब्लम को क्या कोई तरीका है कि नहीं है क्या तरीका बनाया जा सकता है तो बिल्कुल बहुत ही डेडिकेटली कॉन्शियसली इस काम में सबिता कह रही है मैं तो दूसरे ग्रुप में हूँ जहाँ मैम पी डी एफ सेंड करते आप लोग कौन से ग्रुप में ऐड हो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका ये नाम है स्नेहल सचान ऑफिशियल इसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा इस नाम का आई डोंट थिंक दूसरा इंसान है भी ठीक है प्रिपरेशन का मतलब समझ आया सारा मटेरियल गैदर करेगा जो उसे पहले से आता था सब रिकॉल करेगा बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट बिल्कुल चेतना के संग उस प्रॉब्लम उस को सॉल्व करने में लग जाएगा उसकी जो मेमोरी बैंक है मतलब अपने दिमाग से सोचेगा और क्या कर सकते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं उस सबको तो रिकॉल करेगा याद करेगा ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर पाए सॉल्व कर पाए ठीक है फिर इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप आता है नेक्स्ट स्टेप इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन उष्मायन इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि पहले स्टेप में इतना करने के बाद भी सारा मटीरियल अपने दिमाग में सारी नॉलेज रिकॉल याद करने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर इनक्यूबेशन पीरियड आता है ये ऐसा पीरियड होता है अब वो इंसान कॉन्शियसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना छोड़ देता है अब वो अपना ये जो टास्क कर रहा था उसको छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगता है कि चलो अच्छा मैं टहल के आता हूँ कोई बात नहीं जैसे तो आप भी देखते हो ना मैथ्स की कोई प्रॉब्लम कर रहे हो और लगे पड़े हो एक घंटे से वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा लेकिन कभी कभार आप ऐसे टहलने चले गए या कुछ और दोस्तों के साथ घूमने चले गए वापस आते हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है है कि नहीं उसी तरह आप यहाँ समझ सकते हो इंक्यूबेशन वही पीरियड है कि अब आप अपनी उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप जाके कुछ और काम कर रहे हो अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो बट इस टाइम भी आप कॉन्शियसली चेतना के संग तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी लगा हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस टाइम आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी इन्वॉल्व है सॉल्व कर रहा है आपके इस प्रॉब्लम को ठीक है लेकिन आप कहाँ चले गए आप टहलने चले गए घूमने चले गए इस स्टेज में फिर जब आप घूम रहे होगे टहल रहे हो, रहे हो फिर क्या होगा एकदम से आपको आइडिया आएगा उसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज इसके और भी कई सारे नाम हैं जैसे हम इसको इनसाइड स्टेज भी कहते हैं आहा मूवमेंट भी कहते हैं का भी कहते हैं जैसे आर्कमिडीज़ का आपने सुना होगा ना कहानी बड़ी फेमस है कि वो नहा रहे होते हैं फिर एकदम से वो देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गिरी उनके बाट टब में और कुछ पानी क्या हो गया बाहर गिर गया तो एकदम से उनको आइडिया आया है ना और वो नेकेड ऐसे ही भागते हुए चले गए उनको आइडिया आया कि इस ऑब्जेक्ट ये जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट था इसका वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ ये जब ऑब्जेक्ट इस पानी में गिरा इस पानी में गिरा तो जितना पानी बाहर गिरा इसका जितना वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का भी होगा इनको एकदम से ऐसा ये स्ट्राइक किया कि ऐसा हुआ होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज इन स्टेज या फिर आहा मोमेंट या यूरे का मोवमेंट और ये बहुत बड़ा मोमेंट नहीं होता ये कुछ चंद सेकेंड का होती है ये स्टेज ठीक है कुछ चंद सेकेंड की आप यहाँ पे देख सकते हो हाँ वेरी ऑफन बहुत ही ब्रीफ होती है बहुत ही छोटी होती है बहुत छोटी ठीक है आगे चलते हैं आखिरी स्टेज आपकी आती है आखिरी स्टेज कहाँ है हाँ ये आखिरी आखिरी ये वेरिफिकेशन या फिर इवेल्युएशन इसके दो नाम है आप ध्यान से देख लेना एग्जाम में क्या लिखा है दोनों ही ठीक है वेरिफिकेशन इवेलुएशन मान लीजिए आपको एकदम से आइडिया आ गया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फिर आप उसे वेरीफाई तो करोगे क्या सच में उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है तो आप इस स्टेज में वेरीफाई करते हो कि आपने जो सोल्यूशन निकाला उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई हुई तो ठीक है नहीं हुई तो फिर से आप इस साइकिल को रिपीट करोगे ठीक है देन टॉरेंस बहुत सारे लोग हैं टाइम क्या हो गया है फिफ्टी टू हो गया है एक बार मैं देख लेती हूँ कितना बचा है आपके लिए काफ़ी लोगों का लेके आई थी टॉरेंस हो गया जैसे टॉरेंस है टॉरेंस ने क्रिएटिविटी पे बहुत सारा काम किया है टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी होती है इसके अलावा और क्या फोर पी थे पर्सन प्रोसेस प्रोडक्ट एंड प्रेस ये कराना है आपको जो रेमन काटल है इन्होंने दो टाइप की इंटेलिजेंस दी है फ्लूड एंड क्रिस्टल तो ये करना है डेविड वीसलर के बहुत सारे टेस्ट हैं ये आते हैं एग्जाम में और ये बर्ड है इनके बारे में भी था तो ये चीज अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बिकॉज हो नहीं पाएंगी इतनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में ये इंटेलिजेंस वाले को एक कॉन्टिन्यू करें आप बताइए और ये पी मैं आपके संग शेयर कर दूंगी अगर नए हो तो ज्वाइन कर लो इस चैनल को मैं सारी पी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ और न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक like कर दो वीडियो को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना सिर्फ साठ दिन बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करो प्रिपरेशन करो अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आपको नहीं पता मटीरियल कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है इंटरनेट पर तो बहुत कुछ है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो और बैच में आपको एक बार दिखा देती हूँ कहाँ है इज़ इट हाँ इंटरनेट पे जाके बस अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन आपको सर्च करना है और जो पहली लिंक आपके सामने आएगी आपको उसे ओपन करना है तो आज आपने बैच का कंटेंट एक तरह से देख लिया कि बैच में हम कैसी चीज़ें कराते हैं कैसे थ्योरी कवर करते हैं तो कभी कभी जैसे मैंने कल आपको एन ई कराया था तो जब ऐसे डॉक्यूमेंट से आता है क्वेश्चन तो मैं एज़ इट इज़ उसे डॉक्यूमेंट से टिक करा के पढ़ाती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी और जब हमें ऐसे शॉर्ट में चीज़ें करनी होती है तो मैं ऐसे पी में कराती हूँ तो अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैच को इसके अलावा अगले दो दिन थर्सडे फ्राइडे दो दिन और मैं आपको बैच का डेमो दूंगी आप देख सकते हो थ्योरी क्लासेस चलेंगी ठीक है चलिए ठीक है किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है एंड बैच अगर आपको लेना भी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप डाउनलोड करके लेना क्योंकि उसमें आपको क्वाइंस मिलते हैं मैं आप में एक बार दिखा देती हूँ आपको बस ऐप आप खोलना है इसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेस पे क्लिक करोगे जैसे ही तो साइड में बहुत सारे डोमेन्स खुल के आ जाते हैं ये देखिए यहाँ पे जाना है यूजीसी पे यूजीसी वाला जैसे सेलेक्ट करोगे ये देखो एजुकेशन का आ गया एजुकेशन का क्लिक किया एजुकेशन के इतने सारे बैच चल रहे हैं कोई भी ले सकते हो मेगा पैक अच्छा होता है क्योंकि पेपर वन पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन होती है और बाद में अगर कुछ नया चीज़ आता है एडर ट्वेंटी फोर सेवन पर तो मेगा पैक वालों को वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मान लीजिए रिविजन बैच या कुछ भी तो एक कोड लगाओगे तो और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है वाई एट टू वन देखो ये जैसे आपने कूपन लगाया तो साढ़े छः हज़ार में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है ठीक है कोई डाउट है तो बता दीजिए आप एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कल मैंने आपको जो uh, टीचर एजुकेशन पर दो चैप्टर दिए थे तो चैप्टर फाइव मैंने आपको पूरा करा दिया था चैप्टर फिफ्टीन मैं नहीं करा पाई थी टाइम नहीं था यूट्यूब में यही प्रॉब्लम होती है तो आप उसे खुद से कर लेना मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में मार्क करके दी है आपको थैंक यू वंश चौहान थैंक यू सो मच एंड बाकी सबको भी थैंक यू एंड मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर अगर आप नए हो तो क्लास की टाइमिंग भी नोट कर सकते हो क्लास की टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है नोट कर लीजिए आप लोग मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है एक से एक से दो बजे तक चलिए cheers bye everyone take care see you tomorrow